फरवरी 1910 में कलकत्ता के सरकारी अधिकारियों के सामने एक धोती लाई गई। 5 गज लंबी इस सफ़ेद धोती की कीमत 4 रुपये थी। इस धोती की पूरी किनारी पर बांग्ला में खुदीराम बोस के बलिदान को श्रद्धांजलि देता एक गीत लिखा था, एक बार विदाई दे माँ घूरे आशी। माँ मुझे एक बार विदा दो, मैं घूम कर आता हूँ, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाऊँगा। ये आज भी साफ नहीं है कि खुदीराम बोस की शहादत को नमन करने वाला ये मर्म स्पर्शी गीत किसने लिखा था। एक विद्वान सुधीर चक्रवर्ती के अनुसार इस गीत के लेखक पीताम्बर दास थे। खुदीराम बोस की कहानी बताने से पहले एक और बात। देश 1947 में आज़ाद हुआ और आम जनता के मन में आया कि अब क्रांतिकारियों को सम्मान देने का समय आ गया है। इसी क्रम में 2 अप्रैल 1949 को मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस की शहादत की याद में एक स्मारक का शिलान्यास होना था। इसके लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने यह कहकर निमंत्रण ठुकरा दिया कि वो कांग्रेस के रहनुमा हैं और महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन के नेता रहे हैं, उनका किसी ऐसे व्यक्ति के सम्मान में जाना ठीक नहीं होगा जिसने हिंसक गतिविधियों में भाग लिया हो। दुखद है पर कहना पड़ेगा कि क्रांतिकारियों को सम्मान देने का समय तब नहीं आया था। क्या आज वो समय आ गया है? आप इस पर विचार कीजिए और ट्रू हिस्ट्री प्रोजेक्ट की हमारे अमर क्रांतिकारी सीरीज में आज देखिए 18 बरस की उम्र में हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ने वाले खुदीराम बोस की कहानी। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 दिन मंगलवार को बंगाल के मिदनापुर जिले के केशवपुर थाने के हबीबपुर बाड़ी यानी आज के महुबनी गांव में हुआ था। इनके दादा रामधन बासु के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े त्रैलोक्यनाथ बासु नरजोल एस्टेट के तहसीलदार थे। बाबू त्रैलोक्यनाथ की पत्नी लक्ष्मी प्रिया देवी केशवपुर थाने के ही कलाग्राम गांव के दुखी रामदास की पुत्री थी। बाबू त्रैलोक्यनाथ और लक्ष्मी प्रिया देवी की 3 बेटियां थीं, अपरूपा, सरोजिनी और ननीबाला। उनके 2 बेटों की मृत्यु हो चुकी थी। एक बेटा जन्म के कुछ समय बाद ही भगवान को प्यारा हो गया था, जबकि दूसरा 6 बरस की उम्र में चल बसा। लिखने वाले कहते हैं कि इसके बाद लक्ष्मी प्रिया देवी ने पुत्र प्राप्ति के लिए पास के सिद्धेश्वर काली मंदिर में लगातार 3 दिन तक पूजा पाठ किया। जब फिर से लक्ष्मी प्रिया देवी ने पुत्र को जन्म दिया तो उस क्षेत्र में प्रचलित एक टोटके के अनुसार बड़ी बहन अपरूपा ने 3 मुट्ठी चावल या खुदी देकर अपनी माँ से उस बच्चे को खरीद लिया। इसी से बच्चे का नाम खुदीराम पड़ गया। जब खुदीराम 6 बरस के थे तो उनकी माता का देहांत हो गया। कुछ महीनों बाद उनके पिता भी चल बसे। उनके पिता ने अपनी मृत्यु से केवल 2 सप्ताह पहले ही दूसरा विवाह किया था। 6 बरस की छोटी सी उम्र में माता पिता को खोने वाले खुदीराम को उनकी बड़ी बहन अपरूपा अपने साथ अपने ससुराल ले आई। उनका यह नया घर 24 परगना जिले में हटगाछा गाँव में था। खुदीराम को गांव के स्कूल में दाखिला दिलाया गया। फिर सन 1901 में 12 बरस की उम्र में उन्हें तमलुक के हैमिल्टन स्कूल में भर्ती कराया गया। हैमिल्टन स्कूल में कई ऐसे वाकये हुए कि लोग बालक खुदीराम के साहस और दर्द सहने की क्षमता की तारीफ करने लगे। एक बार अचानक शिक्षक के आ जाने पर वो एक बादाम के पेड़ से कूद गए तो उनके कपड़े फट गए और उन्हें काफ़ी चोटें आई, पर वो तुरंत सीधे खड़े हो गए और उन्होंने दर्द को जाहिर नहीं होने दिया। कहा जाता है कि कभी कभी तो वो सांपों को जंगल से पकड़ कर ले आते और उनके साथ खेलते और फिर उन्हें वापस जंगल में छोड़ आते। जब तमलुक शहर में हैजा फैला तो खुदीराम ने रोगियों की खूब सेवा की। उस वक्त रोज़ कई कई लाशें अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पहुँचती थी। शमशान का एक पेड़ ख़ास तौर पर लोगों के बीच भय का कारण बन गया था,
क्योंकि ऐसी अफवाह उड़ गई कि कोई भूत प्रेत या मृत आत्मा उस पेड़ पर रहती है। खुदीराम को कुछ दोस्तों ने छेड़ा कि हम तो तुम्हारी हिम्मत की दाद तब देंगे जब तुम रात को उस पेड़ को छू कर आओ। खुदीराम रात को शमशान गए और उस पेड़ की एक टहनी तोड़ कर ले आए और उसे अपने दोस्तों को प्रमाण स्वरूप दे दिया। एक बार स्कूल के एक अध्यापक ने छात्रों के शारीरिक बल को आजमाने के लिए उनसे एक एक कर टेबल पर ज़्यादा से ज़्यादा मुक्के मारने के लिए कहा। ज़्यादातर छात्र 5-7 मुक्के मार कर रुक गए, पर खुदीराम लगातार मुक्के मारते ही रहे। जब अध्यापक ने देखा कि साहसी बालक के हाथ से खून निकलने लगा है तो उन्होंने खुद ही उसे रोका। खुदीराम के देश प्रेम का भी पहला नमूना इसी स्कूल में देखने को मिला। एक बार फणिभूषण घोष नाम के उनके एक साथी क्लास में स्वदेशी धोती पहन कर आए तो साथी बाकी छात्र उनका मजाक बनाने लगे। तब खुदीराम ने आगे बढ़कर स्वदेशी का सम्मान करने वाले उस छात्र को गले लगाया और बाकी छात्रों को उनकी गलती का एहसास कराया। इन सब घटनाओं से खुदीराम के दीदी और जीजा को उनकी पढ़ाई की फिक्र होने लगी और उन्होंने खुदीराम और उनके हमउम्र अपने बेटे ललित को सन 1903 में एक नए स्कूल में दाखिल करा दिया, मिदनापुर के कॉलेजिएट स्कूल में, इस उम्मीद में कि शायद स्कूल का माहौल बदलने से खुदीराम भी केवल पढ़ाई में मन लगाने लगे। मिदनापुर के कॉलेजिएट स्कूल में वो आज के हिसाब से 8वीं कक्षा तक पढ़े। इस नए स्कूल के हेडमास्टर कभी अरविंद घोष के ससुर प्रसिद्ध समाज सुधारक राजनारायण बासु हुआ करते थे। इसी स्कूल में सत्येंद्रनाथ बोस के बड़े भाई ज्ञानेंद्रनाथ भी पढ़ाया करते थे। अगस्त 1905 तक खुदीराम ने इस स्कूल में ही पढ़ाई की। 1905 का वर्ष भारत के इतिहास में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला वर्ष था। दरअसल उस समय का बंगाल प्रांत क्षेत्रफल और आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा प्रांत था और प्रशासनिक कारणों से कई बार ये बात उठी थी कि बंगाल के दो प्रांत बना दिए जाएं। खुद कांग्रेस के नरम दल के बड़े नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी कह चुके थे कि बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर देना चाहिए। उस समय तक दार्शनिक स्वामी विवेकानंद, लेखक व कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रविंद्रनाथ टैगोर, कवि मुकुंद दास, अरविंद घोष, जोगेंद्र चरण विद्याभूषण और सिस्टर निवेदिता आदि ने बंगाल के आम जनमानस में एक क्रांति के उभार की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी और जुगांतर, वंदे मातरम, संध्या, नवशक्ति जैसे राष्ट्रवादी अखबार जनता में नए ओज का संचार कर रहे थे। इन सब से बंगाल भारत की आज़ादी की लड़ाई का केंद्र बन गया था और अंग्रेज़ों का ख्याल था कि अगर बंगाल को हिंदू मुस्लिम के आधार पर बांट दिया जाए तो हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई कमज़ोर पड़ जाएगी। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने देखा कि यह भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन को बांटने का अच्छा मौका है। कर्जन ने अपनी फूट डालो शासन करो की ब्रिटिश नीति के तहत बंगाल के मुसलमानों को समझाया कि उनके सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बंगाल के पूर्वी हिस्से को ब्रिटिश सरकार अलग करना चाहती है जिसकी राजधानी ढाका होगी। मुस्लिम नेताओं को ये समझाने के लिए लॉर्ड कर्जन ने 1904 में तब के बंगाल के उन पूर्वी जिलों का दौरा किया जिनमें मुसलमान बहुमत में थे। कई मुस्लिम नेताओं को ये बात सही लगी कि उनके बहुमत वाला एक प्रदेश बन जाना चाहिए, जबकि कांग्रेस के नरम और गरम दल दोनों ही के नेता और आम बंगालियों को लगा कि ये भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन को बांटने की एक ब्रिटिश चाल है, इसके सिवा कुछ नहीं। बहरहाल राष्ट्रवादी नेताओं की अपीलों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए ब्रिटिश हुकूमत ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल के बंटवारे का ऐलान कर दिया और 16 अक्टूबर 1905 को ये बंटवारा लागू भी हो गया। दरअसल उस समय बंगाल भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन की धड़कन बना हुआ था और अंग्रेज चाहते थे कि बंगाल को बांटकर भारतीयों की राजनीति में हिंदू मुस्लिम की खाई को बड़ा किया जाए, जिससे देश की आज़ादी की या नागरिकों के अधिकारों की मांग करने वाले नेताओं और संगठनों को धर्म के नाम पर आपस में लड़ाकर कमज़ोर किया जा सके। मिदनापुर उस समय बहुत बड़ा जिला हुआ करता था। यहाँ ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजनारायण बासु,
जैसे समाज सुधारकों ने तर्क की और आधुनिक विचारधारा की एक जमीन तैयार की थी। ज्ञानेंद्रनाथ बोस ने 1902 में मिदनापुर में पहले क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। उसी साल अरविंद घोष ने हेमचंद्र कानूनगो और सत्येन बासु जैसे क्रांतिकारियों को क्रांति की दीक्षा दी। 1904 में अरविंद घोष बड़ौदा से बंगाल आए और उन्होंने अलग अलग क्रांतिकारी संगठनों के बीच समन्वय स्थापित कराने का प्रयास किया। 1905 में उन्होंने भवानी मंदिर पुस्तक लिखी जो युवा क्रांतिकारियों के लिए मंत्र बन गई। अविनाश चंद्र भट्टाचार्य की वर्तमान रणनीति और मुक्ति कौन पथे पुस्तिकाएँ बंगाल भर में छा गई। जुलाई 1905 में सारे बंगाल में बंटवारे का विरोध करने के लिए आंदोलन हुए। इन आंदोलनों में स्वदेशी आंदोलन प्रमुख था। जब इन स्वदेशी आंदोलनों की चिंगारी बंगाल के मिदनापुर पहुंची, तो 9वीं कक्षा में पढ़ रहे 15 बरस के खुदीराम पर इसका पूरा असर हुआ। खुदीराम पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे और उनके नंबर बस पास होने भर के आया करते थे, पर कसरत करने में खुदीराम बड़े पाबंद थे। एक व्यायाम प्रतियोगिता में पैरेलल बार में उन्होंने इतना बढ़िया प्रदर्शन किया कि स्कूल के ड्रिल टीचर रामचंद्र सेन की तनख्वाह 5 रुपये बढ़ा दी गई। लाठी छुरी तलवार चलाने जैसी मार्शल आर्ट्स में भी खुदीराम ने महारत हासिल कर ली थी। 14 सितंबर 1905 को मिदनापुर के अध्यापकों छात्रों और प्रमुख नागरिकों ने वहाँ जगन्नाथ मंदिर में एक शपथ ली कि जब तक बंगाल का विभाजन रद्द नहीं किया जाता तब तक विदेशी नमक चीनी और कपड़े का उपयोग नहीं करेंगे। इस घटना के बाद खुदीराम बोस ने पढ़ाई पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया और पूरी तरह राष्ट्रवादी आंदोलन में कूद पड़े। मिदनापुर में अरविंद घोष के गुप्त क्रांतिकारी संगठन की एक शाखा थी जिसे ज्ञानेंद्रनाथ बासु सत्येंद्रनाथ बासु और हेमचंद्र दास चलाते थे। ये लोग मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत युवकों को क्रांतिकारी सांस्कृतिक किताबें देते और उन्हें मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देते। अरविंद घोष के मामा लेकिन उम्र में उनसे 10 साल छोटे सत्येंद्रनाथ बासु यानी सत्येन बोस की सहायता से खुदीराम संगठन में शामिल हो गए। फिर अगस्त 1905 के पहले सप्ताह में मिदनापुर में बंगाल विभाजन के विरोध में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया। खुदीराम ने इस जनसभा को सफल बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया। इस सभा में 10,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए और तब से मिदनापुर राष्ट्रवादी गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र बन गया। विदेशी सामान के बहिष्कार में खुदीराम सबसे आगे थे। एक बार उन्हें खबर मिली कि एक दुकानदार बार बार समझाने के बाद भी चोरी छिपे विदेशी कपड़े ला रहा है। खुदीराम ने उसके पूरे स्टोर में मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। फिर दुकानदार क्रांतिकारियों की चेतावनियों को गंभीरता से लेने लगे। उन्हीं दिनों मिदनापुर में कंसवती नदी में बाढ़ आई हुई थी। आसपास के कई गांव बाढ़ की चपेट में थे। खुदीराम ने मिदनापुर से 8 किलोमीटर दूर गोवर्धनपुर गांव में कपड़े और खाना पहुंचाने में मदद की और बच्चों बूढ़ों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में लग गए। एक सप्ताह बाद जब वो घर लौटे तो उनके जीजा और दीदी ने उन्हें पढ़ाई जारी रखने के लिए समझाया। खुदीराम के जीजा जिनके घर में वो रह रहे थे अंग्रेज़ों के नौकर थे और खुदीराम की गतिविधियों से परिवार कभी भी संकट में पड़ सकता था। खुदीराम ने घर से दूर रहने का फैसला किया और एक वकील प्यारेलाल घोष के घर में रहने लगे। यहाँ से खुदीराम ने अपनी दीदी को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि अब उनका आगे पढ़ाई जारी रखना बेमानी होगा और वो देश के अलग अलग हिस्सों की यात्राएँ करेंगे। वो बांकुरा चले गए जहाँ उनका इरादा आम किसान की ज़िंदगी देखने और अनुभव करने का था, पर आसपास के लोगों ने उन्हें पुलिस का जासूस समझा और उन्हें फिर से अपनी बहन के घर आना पड़ा। फिर सर्दियाँ आई और एक दिन खुदीराम ने देखा कि एक भिखारी ठिठुरता हुआ घर के दरवाजे पर खड़ा है। भिखारी की हालत देखकर उनका मन भर आया और उन्होंने उसे अपने स्वर्गीय पिता का बेशकीमती पश्मीना शॉल दे दिया। खुदीराम की दीदी ने उन्हें समझाया कि यह भिखारी इस कीमती शॉल को ओढ़ेगा नहीं बल्कि बाजार में बेच देगा। इस पर खुदीराम ने कहा कि ऐसा ही सही, कम से कम इसकी कुछ तो सहायता होगी।